import first statement. Like this, it include all the functions that are used for file handling. Now after that, आपने एक connection बनाना है. Dot connect function. So this in this function we will pass four parameters. Okay. पहले होगा आपके पास host equal to local host. Local host means your database and Python coding in same computer. Second, here is user. By default, user is root. Third parameter is password. I mean, bracket start in single quotes or double quotes start करने सामने close because there is no any password. अगर पासवर्ड है तो वही पासवर्ड आपने यहाँ पे देख सकते हैं. लास्ट वन इज डेटाबेस. हियर वी विल गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस इन विच यू वांट टू क्रिएट टेबल और इंसर्ट डेटा जो भी आपने करना है. ठीक है. इन माय एसक्यूएल आई एम चेकिंग माय डेटाबेस. Two databases. So here is one database result. So I am using that. Use result. Use the result. Okay. Now, नो बेटा, शो टेबल. तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है ईएमपी. ठीक है. मैं यहाँ पे डाटा डिस्प्ले कर रहा हूँ. यहाँ पे डाटा. ठीक है. तो ऐसे करेंगे, अब हम इस डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे विद देयर पोस्टस्क्रिप्ट. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल इंसर्ट वन रिकॉर्ड विद देयर पोस्टस्क्रिप्ट. After creating connection, तो कल मैंने आपको भेजा हुआ था डेमो प्रोजेक्ट. सेम इज हियर. ठीक है. डेमो प्रोजेक्ट में भी आपके पास एक्जेक्टली सेम है. तो पहले आपने इम्पोर्ट किया mysql.connector, then create connection, और थर्ड वन Without cursor, your program will not be executed. ठीक है. तो आपने क्या करना है, एक cursor create करना है. ठीक है. cursor के लिए आपके पास जो command होगी, that is take any variable here, like c is equal to name of the connection, then cursor.
कर्सर फंक्शन विच क्रिएट एनवायरनमेंट, इट्स अ टेम्परेरी एनवायरनमेंट इन विच योर डेटा विल बी सेव. ठीक है, जो डेटा मूव हो रहा है फ्रॉम स्क्रिप्ट टू डेटाबेस और डेटाबेस टू स्क्रिप्ट, ये टेम्परेरी एनवायरनमेंट में सेव होता रहता है. तो क्रिएट कनेक्शन. नाउ इन केस यू वांट टू डिस्प्ले द डेटा, ठीक है, आपने डेटा डिस्प्ले करना है तो हमें डेटा फेच करना पड़ेगा. फेच के लिए आपके पास है कमांड, आपने ये एग्जीक्यूट करनी है. तो सी डॉट एग्जीक्यूट, बेटा कर्सर इज ए एनवायरनमेंट इन विच जो डेटा मूव कर रहा है स्क्रिप्ट से डेटाबेस में या डेटाबेस से स्क्रिप्ट में, वो आप उस एनवायरनमेंट में सेव होता है. अब आपने क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम इज ईएसटी. अगर आपने प्रोग्राम में भी देखोगे तो आपके पास इसी तरीके से ये देखो सेम सेम इसे क्वेरी को आपने एग्जीक्यूट किया. नाउ योर डेटा इज इन कर्सर, ठीक है. अब कर्सर से हमने डेटा पिक करना है, क्लियर. तो उसके लिए यहां तो आप लगाओगे फेच ऑल, फेच मैनी, फेच वन. बट बेसिकली इफ यू वांट टू रिट्रीव ऑल द डेटा तो आप क्या करते हैं, फेच ऑल, क्लियर. तो हियर आई एम taking one variable, c dot fetch on. Here, अब जो आपके पास वेरिएबल आर ई सी है, दिस इज जस्ट लाइक ए लिस्ट, ठीक है, और कलेक्शन, इसमें सारा डाटा कॉपी हो गया, ठीक है. अब हमने वन बाय वन इसको डिस्प्ले कराना है स्क्रीन के ऊपर, तो वी विल यूज फोर आई इन आर ई सी. तो आर ई सी में से जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वो आई में आ जाएगा, ठीक है. एंड इफ वी प्रिंट मोमेंट्स, तो हियर वी प्रिंट आई. एंड लास्ट में आपने क्या करना है कि कनेक्शन को क्लोज करना. बट रिमेंबर बेटा, फाइंड आउट द टेबल इन विच डेटा इज देयर इन योर डेटाबेस, क्योंकि मेरे डेटाबेस में जो टेबल है, टेबल भी है और डेटा भी है. आप चेक करो आपके कौन से डेटाबेस है और किस डेटाबेस में कौन सा टेबल है, और डाटा फिल होना चाहिए उसमें, तभी डिस्प्ले होगी. चेक करके गो टू योर डेटाबेस, ठीक है, वहां पे जाके शो डेटाबेसेस, देन यूज डेटाबेस का नेम एंड देन शो टेबल्स एंड फाइंड आउट द टेबल इन व्हिच डेटाबेस इज. चेक योर डेटाबेस में है
execute this script without वहाँ पे सिलेक्ट मारने में रहने अपने इस तरीके से करो। यहाँ पे क्या नहीं हाँ हम बोल रहे हैं इसको हो गया बस डेटाबेस का हमारा रिजल्ट तो मैं वहाँ पे चेक कर रहा था कि डेटाबेस का चेक करने के बाद पासवर्ड की स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर पासवर्ड ये देखो बेटा डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द डेटाबेस ठीक है टेबल्स एंड स्क्रीन डिस्प्ले ऑन स्क्रीन ठीक है कोडिंग इज दिस वन उसके बाद हम करेंगे डेटा ये है डेटा रिसीव कैसे करना है डिस्प्ले कैसे करना है ठीक है आफ्टर दैट we will apply how to insert the data ये तो बेटा इसमें एसक्यूएल के अंदर टेबल है ना जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटा इस तरीके से आएगा एंड फॉर योर प्रोजेक्ट परपज आपने क्या करना है ये कमांड्स जो है वो फंक्शन के अंदर ले आएंगे डिस्प्ले ऑल एक एक कॉलम place all the commands inside the function okay next to function we will create for inserting the data in the table Ritika ye ho gaya clear डिस्प्ले हो रहा कि नहीं हो रहा हो गया तो आपके पास फॉर डिस्प्ले पर इंसर्शन पर्पस अच्छा इसी में ना एक सिंपल से एक और चेंज करना कि अगर हमने इसी प्रोग्राम को सर्चिंग का प्रोग्राम बना रहा सर्चिंग का ठीक है तो मैं इसी में चेंज कर रहा हूं आपने क्या करना है यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है मैं पैरामीटराइज क्वेरी करवाने लगा हूं ठीक है पैरामीटराइज क्वेरी एक वेरिएबल ले लिया इन माय रिकॉर्ड फील्ड इज आई रोल नंबर चेक करने के लिए फील्ड कौन सी है इसमें फील्ड इज आईडी ठीक है तो वैसे एक यूजर से इनपुट ली इन इनपुट एंटर द आईडी यूजर विल एंटर द आईडी अब यहां पे हमने क्वेरी लगानी है अपने वेयर क्लोज ठीक है इक्वल टू अब इन केस आप फिल कर देते आईडी इक्वल टू 101 That is a fix.
एवरी टाइम आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो 101 तो थोड़ी डेटा फेच करोगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दे देना है परसेंटेज एस। इफ दिस वैल्यू इज अ स्ट्रिंग वैल्यू सिंगल विद इन सिंगल कोट्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लगाना है कॉमा, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, देन टेक वेरिएबल एक्स, देन कॉमा टपल में डेटा। तो जो वैल्यू एक्स की होगी वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। इट इज इन दिस फॉर्मेट, टपल ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे सर्च फंक्शन रन करेंगे, नॉट ए डिस्प्ले सर्च, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, आई थिंक द रन फंक्शन आ गया, ओ इंडेंटेशन डिस्प्ले Here is one message, enter the ID. I enter 103, okay, 103, name is Pawan and 25,000 salary, sale aapke paas hai, theek hai. So 103, yahan pe problem hai, I'm checking that. 37, are you sure? Mere ek error pata kya hota hai ki aapke paas continuity mein wo enter jayega. आपका चला क्या चला जिधर लाइए एक मिनट और कितने पे इसका ओहो चेक करो बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेरी में प्रॉब्लम क्या है, फुल टाइम। हाँ यस आईडी नहीं दिया, गुड। आईडी इज इक्वल टू तो हियर 103 रिकॉर्ड इज हियर, हियर So this is your searching. Mane clear? Doubt to nahi hai isme? Isko note kar lo ya execute bhi karo ghar jaake taki ye simple program for your project work. Aise work hona jaise marzi project work. You can change it. हाँ डॉक्यूमेंटेशन सामने सिंपल को अकॉर्डिंग टू सीबीएसई यू कैन चेंज द डॉक्यूमेंटेशन यू कैन मॉडिफाई द डॉक्यूमेंटेशन क्या आपको वैसे यस नहीं फिजिकली यू हैव टू हाँ वहाँ पे लिखा हुआ है इन टर्म टू द स्टूडेंट कैन मॉडिफाई दी डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट प्रोग्राम वी आर गोइंग फॉर इंसर्शन आप क्या कर सकते हो कि कनेक्शन और पर्सन पहले बना लो, हाँ एक नेम बना लो ग्लोबल बना लो, क्योंकि मैंने लोकल बना दिया ना उसको, इट इज अ लोकल यू कैन डिक्लेयर इट एज अ ग्लोबल, बट व्हेन यू विल क्लोज फिर से मैं क्रिएट करना पड़ेगा ओके नेक्स्ट करें फॉर इंस्ट्रक्शन
अब यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड फंक्शन सेम थिंग विल बी देयर कि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट नो दी हाउ मेनी फील्ड्स इन द टेबल क्लियर. सो इन माय टेबल आई हैव आईडी नेम सैलरी डिपार्टमेंट एंड पीओजे क्लियर. तो आपने क्या करना है इसी जितने वेरिएबल्स यहाँ पे हैं जितने फील्ड्स यहाँ पे उतने वेरिएबल्स से इनपुट लेंगे पहले ठीक है. तो आईडी नेम तो पहले आईडी है आपके पास तो यहाँ पे I take one variable, I input या ABC ले लो no issue. input enter ID, then B for here is the input name. enter name then third variable int field का data type आपने क्या ली हुई है यहाँ पे चलो integer भी add हो जाएगा उसमें input enter salary then department and after that there is date of joining so it is of a string nature. Date of join. So all the variables you are getting here input. अब आपने query कैसे लगानी है बेटा? This is important बेटा. Here query will be insert. Students look here बेटा first. Query is insert. Insert into table name is here emp values. अब आपने यहाँ पे क्योंकि इट्स अ पैरामीटराइज्ड क्वेरी तो परसेंटेज एस नहीं है ठीक है एंड स्ट्रिंग वैल्यू विद इन सिंगल कोट्स ठीक है. तो फर्स्ट इज आईडी तो ओनली परसेंटेज एस. सेकेंड इज नेम परसेंटेज एस. Third is salary. It is a numeric value, percentage S. Then there is department and date of joining. Department a string value here, so percentage S. And date of joining again date here, so within single quotes. ये ब्रैकेट क्लोज डबल कोट्स क्लोज कॉमा टेक टपल. टपल में हमने लिया था ए बी सी डी ई ब्रैकेट क्लोज एंड वन मोर ब्रैकेट क्लोज. नाउ बेटा अगर डेटा इंसर्ट हो गया तो इट विल बी इन दी बफर क्लियर. तो जहां पे भी आपके पास कोई भी डाटा इंसर्ट करते हो आप तो आपके पास एक कमांड आपने हमेशा ही एग्जीक्यूट करनी है फॉर व्हेन यू इंसर्ट द डाटा. ये देखिए कर जाते हैं दैट इज कमिट क्लियर. तो कनेक्शन डॉट कमिट कनेक्शन हियर इज सी ओ एन डॉट कमिट एंड देन क्लोज द connection. So here I will call insert
रिकॉर्ड फंक्शन। पहले एक बार कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, here is a spelling error in S. इंसर्ट रिकॉर्ड में आई है, यस। आईडी 120, नेम ऑफ द पर्सन एम्प्लॉय कुणाल, सैलरी, देन डिपार्टमेंट सेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2002 इन द मंथ ऑफ फेब 12। हियर प्रॉब्लम किसमें आ रही है, इंसर्ट क्वेरी में नो एट्रीब्यूट, एग्जीक्यूट नहीं हमने लगाया, एग्जीक्यूट लगाया इनपुट ऑब्जेक्ट इज नो, बेटा वी विल कंटिन्यू दिस बेटा मंडे, ठीक है।